हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर हमने स्टार्ट किए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में वन ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड एज ए काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगैड्रोस लॉ हो गया है, और उसके बाद में गेलुस एक लॉ कॉल्ड एज ए पीटी लॉ, उसके बाद में डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर आएगा, ग्राम्स लॉ आएगा, और अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा द नया टॉपिक है कॉल्ड एज ए काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा, ये टॉपिक जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द नीट एज वेल एज द आईआईटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के टॉपिक के दोनों के हिसाब से कवर करूंगा। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट जानेंगे और इसके ऊपर में हमारे नीट में या आईआईटी मेंस में कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, विल ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। तो बेटा, ये आज का टॉपिक है गैसेस स्टेट्स का, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड वी कैन कॉल इट एज ए गैशियस स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर, और इस टॉपिक का ये सब टॉपिक है कॉल्ड एज ए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस इज ए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा, यहाँ पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा पॉस्टेड बताने पड़ेंगे। अगर ये पॉस्टेड आपको ठीक से आता है तो आप इसको इंटू 1.5 टाइम्स या इंटू 2 टाइम्स करके आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कर लेना। बट अभी तो मुझे डिस्कस करना है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दिसने की मतलब दिया किसने है और किसके बारे में दिया है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा, ये जो थ्योरी है इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। ये जो आइडियल गैसेस होते हैं इनके लिए अप्लीकेबल है, और ये थ्योरी दी किसने है? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बोल्ट्जमैन, दैट इज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, द नेम ऑफ द पर्सन विल बी मैक्सवेल साहब ने और बोल्ट्जमैन साहब ने, दोनों ने मिलके ये थ्योरी दी गई है, BOLTZMANN, राइट। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, और इन्होंने ये थ्योरी किसके लिए दी गई बेटा? इट इज अ थ्योरी ओनली गिवन फॉर द आइडियल गैसेस। तो इन्होंने आइडियल गैस को एक्सपेयर ऐसा करना चाहा कि एक बड़ा सा कंटेनर है, मतलब क्लोज कंटेनर है, और क्लोज कंटेनर के अंदर में कुछ गैस रखी हुई है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन कराने के लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टलेट्स लिखे थे, एंड व्हाट इज दैट पोस्टलेट लेट्स नियर। सबसे पहले नंबर वन, बेटा इट इज ए क्लोज कंटेनर कंटेनिंग द गैस। तो जानते हो गैस इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज ए गैस मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो गैस इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज ए गैस मॉलिक्यूल। तो पॉइंट नंबर वन हम लिखेंगे बेटा, गैस इज मेड अप ऑफ और इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज दे आर कॉल्ड एज गैस मॉलिक्यूल्स। दिस इज द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज ए गैस मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये लगा दिया है कि गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज ए गैस मॉलिक्यूल्स। सेकंड पॉइंट बेटा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये तो ऐसे खड़े तो नहीं रहने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे। हाउ दे आर मूविंग? रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये गैस मॉलिक्यूल चला इस तरफ बेटा, ये गैस मॉलिक्यूल चला इस तरफ, ये गैस मॉलिक्यूल चला इस तरफ, ये गैस मॉलिक्यूल चला इस तरफ, ये भी चला बेटा इस तरफ। इस तरह से दे ऑल आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, उनकी मर्जी जहां उनको जाना लगा वो जाते गए। सो दीज आर द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा बेटा, जब ये गैस मॉलिक्यूल सारे डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, सोचो आप बेटा। पॉसिबिलिटी ये आएगी कि दिस गैस मॉलिक्यूल आइदर दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब देखिए बेटा, यहाँ पे तो सबसे पहले जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में मुझे पोस्टेड एक्सप्लेन कराने हैं, तो कैसे एक्सप्लेन किया? इट इज अ कंटेनर कंटेनिंग द गैस, गैस इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। देखो लिखा, गैस इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज ए गैस मॉलिक्यूल। दीज गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ए गैस मॉलिक्यूल दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। बट जब ये मूव करते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, वहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सोचो?
ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है या तो एक दूसरे से टकराएंगे, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, और दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखो बेटा, कंटेनर की वॉल को कोलाइड करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 ये लिखना बेटा, गैस मॉलिक्यूल मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन व्हाइल मूविंग रैंडमली दे कोलाइड विथ ईच अदर। बेटा दे कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब वो अपने आप से तो कोलाइड करेंगे एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, राइट। सो व्हाइल मूविंग रैंडमली दे कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, दे कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज दे कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर। भाई कंटेनर की वॉल को भी कोलाइड कर सकते हैं, अपने आप को भी कोलाइड करेंगे। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 से मैं पॉइंट नंबर 4 मानना चाहूंगा बेटा, ये जो कोलिजन है ना, ये कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन माना गया है। आप जानते हो बेटा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ऐसी कोलिजन जो एक दूसरे से टकरा तो जाए, बट व्हाइल कोलाइडिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। सो हम लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 4, while colliding with each other there is no loss of energy, only transfer of energy, but only transfer of energy takes place, क्योंकि इस कोलिजन को हमने क्या कंसिडर किया गया बेटा, हमने कंसिडर किया कि कोलिजन कैसी हो, इलास्टिक कोलिजन होती है। सो व्हाइल कोलाइडिंग विद ईच अदर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, व्हिच विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, यहां तक एक बार देख लो, पॉइंट समझ में आए बेटा? ये जो चार पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि व्हाइल कोलाइडिंग विद ईच अदर, फोर्थ पॉइंट, they collide with each other and there is no loss of energy, only transfer of energy takes place and that will be called as a what, elastic collision। तो ये collision में energy का loss तो नहीं होगा, सिर्फ transfer of energy होगी। बेटा जब ये gas molecule container के wall को collide करेगा तो क्या होगा? बेटा जब जब ये इस container की wall को collide करेगा तब तब वो pressure exert करेगा, तब तब वो pressure exert करेगा। तो point number 5 ही कैसे, while colliding with wall of container, it exerts pressure। ये क्या करेगा बेटा? It exerts pressure। मतलब जितनी बार वो कंटेनर की वॉल को हिट करेगा उतना प्रेशर एग्जर्ट होगा, उतना प्रेशर बनेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना बेटा, एक बड़ा सा कंटेनर ले लो, उसके अंदर गैस भर लो, वो गैस भर के उसको गर्म करना शुरू करो, गर्म किए तो क्या होगा, उसके अंदर में जो गैस है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, और जब जब वो मूव करेगा तो दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और जब जब कंटेनर की वॉल को कोलाइड करेगा वो प्रेशर बनाते जाएगा, प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि एट लास्ट वो जो कंटेनर रहता वो बस्ट हो जाएगा। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 5, while colliding with the wall of the container it exerts pressure। चलो पॉइंट नंबर 6 बेटा, these gas molecules are unaffected with the gravity। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, अगर हम ऐसा सोचे कि गैस मॉलिक्यूल्स रूम में घूम रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, जैसे कि डस्ट पार्टिकल देखो बेटा रूम में घूमते हैं तो थोड़ी देर के बाद में घूम घूम के नीचे कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर अफेक्टेड विद द ग्रेविटी। बट गैस मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड विद द ग्रेविटी, इसका मतलब उनकी मोशन कैसी होती है बेटा, कंटिन्यू मोशन होती है। दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर अनअफेक्टेड विद द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होते हैं, हेंस दे आर मूविंग कंटिन्यूसली, हेंस दे मूव्स continuously। हाँ बेटा, hence they move continuously। Point number 7 भी देखिए बेटा, यहां पर ये बताया गया है,
अगर इस कंटेनर की अगर आप एब्सोल्यूट या टेम्परेचर बढ़ा लो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और गैस मॉलिक्यूल भी बढ़ जाती है। तो पॉइंट नंबर 7 ये दिया है कि क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी बढ़ते जाएगी। हाँ बेटा, जब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ते जाएगी। बेटा ये सबसे अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे मैक्सवेल साहब ने और बोल्ट्जमैन साहब ने आइडल गैस के ऊपर दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट उन्होंने ये भी दिए जो कि पॉइंट वो गलत है। अब वो पॉइंट कौन से दिए और वो कौन से गलत पॉइंट है, लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा, आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं, ध्यान से देखिए जो गलत पॉइंट है। तो मैं एक काम कर दूं, जो गलत पॉइंट है वो एक्चुअली आइडल गैस के लिए नहीं है, मैं आपको अलग से लिख के दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 5, 6, 7 के बाद ये कुछ दो पॉइंट है जो वैंडरवाल्स आपको थोड़े गलत लगे, कैसे हैं लेट मी एक्सप्लेन यू। पॉइंट नंबर 8, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय these gas molecule is negligible compared to gas molecules in the container। थोड़ा इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, सबसे बढ़िया पॉइंट है, और इस पॉइंट से सीधा का सीधा मैं आपको वैंडरवाल साहब की रियल गैस इक्वेशन में ले जाऊंगा। देखिए ध्यान से, इनके हिसाब से क्या था, इनके हिसाब से किसके हिसाब से, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन अंकल के हिसाब से क्या था कि ये कंटेनर के अंदर में आपने गैस तो रख दिया, अच्छी बात है, इसके अंदर में ये गैस मॉलिक्यूल एक छोटा सा पार्टिकल है, और बेटा ये छोटे से पार्टिकल की वॉल्यूम ये बड़े से कंटेनर की वॉल्यूम को कंपेयर करो तो क्या बेटा ये वाली गैस की वॉल्यूम को क्या कंपेरेबल होगी, नहीं सर, ये नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि बेटा इतनी गैस की वॉल्यूम और ये छोटे से गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करो तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस वन ईच गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इन द कंटेनर। तो अब क्या हो गया, सुधीर सर बोले ये नेग्लिजिबल, सुधीर सर का एक स्टूडेंट बोला सर मैं भी ये नेग्लिजिबल बोलूंगा, सर का और एक स्टूडेंट बोला सर ये भी नेग्लिजिबल, तो सर के इतने सारे स्टूडेंट है सब एक एक स्टूडेंट बोलते हैं सर ये नेग्लिजिबल, मतलब इस डब्बे के अंदर गैस है या नहीं है, तो गैस खाली है, एम्प्टी है। भले ये पॉइंट के हिसाब से ऐसा हो गया, सुधीर सर बोले ये नेग्लिजिबल, सर के स्टूडेंट ही बोले ये भी नेग्लिजिबल, और कोई बोला ये नेग्लिजिबल, तो सब एक एक बच्चा एक एक गैस मॉलिक्यूल को नेग्लिजिबल बोलते गया, तो बेटा क्या इस डब्बे में एक्चुअल में हम गैस रखे थे तो अभी गैस कंसिडरेबल होगी, नहीं सर पूरा डब्बा खाली है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट मैक्सवेल बोल्टमैन साहब ने आइडियल गैस के लिए दिया, लेकिन वैंडरवाल साहब को ये वाली पॉइंट ठीक नहीं लगी। अब नहीं लगी तो वैंडरवाल साहब ने कुछ ना कुछ किया होगा, विल स्टेक इट। और पॉइंट नंबर 9 बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैक्सवेल और बोल्टमैन साहब ने आइडियल गैस के लिए दिया और वो भी उनको वैंडरवाल साहब को गलत लगी। क्या देखिए बेटा, दीज गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट इज इट डज नॉट हैव अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम, बेटा इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है और ना तो कोई रिपल्शन है। बेटा आप सोचो अगर ये वाला पॉइंट सही हो जाए, तो दुनिया में कोई भी गैस कंडेंस नहीं होगी, क्योंकि बचपन में छोटी क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, हमारी साइंस टीचर भी हमको पढ़ाती थी कैसे गैस मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर हो तो गैस है, थोड़े करीब आ जाए अट्रैक्शन आ गया लिक्विड, पूरे चिपक गए तो सॉलिड। अब आप बताओ बेटा इन गैस मॉलिक्यूल में अगर अट्रैक्शन ही नहीं होगा
तो गैस मॉलिक्यूल करीब ही नहीं आएंगे, गैस मॉलिक्यूल करीब ही नहीं आएंगे तो गैस मॉलिक्यूल का लिक्विफैक्शन ही नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे वैंडरवाल्स आपको गलत लगा, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैक्सवेल साहब ने, बोल्ट्जमैन साहब ने ये सारे पॉइंट किसके लिए दिए गए हैं, आइडियल गैस के लिए दिए गए। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो आइडियल गैस के लिए हमारे मैक्सवेल साहब ने और बोल्ट्जमैन साहब ने दिया ना बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट सही है। क्यों सुनो इसीलिए सही है क्योंकि बेटा इनके हिसाब से, मैक्सवेल साहब और बोल्ट्जमैन साहब के हिसाब से अपनी जो आइडियल गैस जो आप कंसिडर कर रहे हो ना, वो क्या है बेटा, एक पॉइंट चार्ज है। मतलब ये डब्बा और डब्बे में ये छोटे 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 पॉइंट चार्जेस है, ये आइडियल गैस है, ये क्या है बेटा, आइडियल गैस। एंड दिस आइडियल गैस में ये छोटे छोटे पार्टिकल विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की बात करो तो इतने छोटे पॉइंट है भाई, अट्रैक्शन भी नहीं होगा, रिपल्शन भी नहीं होगा। मतलब आपका ये पॉइंट सही है। और इसी तरह से बेटा अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ऑब्वियसली बेटा इतना छोटा पार्टिकल होगा, उसकी वॉल्यूम ये डब्बे से आप कंपेयर करो तो नेग्लिजिबल ही होगी, तो सही है। पर वैंडरवाल साहब ने क्या किया, ये तो वाइटल गैस इन्होंने बोला, पर वैंडरवाल गैस साहब ने क्या समझा, अगर मेरे पास एक डब्बा है और डब्बे में रियल गैस है बेटा, रियल गैस के मॉलिक्यूल को उन्होंने स्पीयर कंसिडर किया है, स्पीयर समझते हैं गोले, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गोले, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े गोले कंसिडर किए। अब बताओ बेटा वैंडरवाल साहब के हिसाब से रियल गैस स्पीयर है और स्पीयर में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों आ सकता है। बोलते ना बेटा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज ए डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन कॉल्ड एज ए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाता है क्योंकि स्पीयर है। उसी तरह से इनकी वैंडरवाल साहब के हिसाब से बेटा ये गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को कंसिडरेबल किया गया है। तो इन्होंने जितने भी पॉइंट, 9 के 9 पॉइंट दिए, ऑल द 9 पॉइंट जो इन्होंने दिया है, किसने बेटा, मैक्सवेल साहब ने, बोल्ट्जमैन साहब ने, सारे के सारे 9 पॉइंट सही थे। और हमारे वैंडरवाल साहब को भी 9 पॉइंट में 7 पॉइंट सही लगे, बट आखिरी के जो 2 पॉइंट है वो गड़बड़ कर गए, ये वाला पॉइंट वैंडरवाल साहब को थोड़े डिस्टर्ब लगे, थोड़े गलत लगे, क्योंकि वैंडरवाल साहब ने कंसिडर किया था रियल गैस पॉइंट चार्ज नहीं हो सकते बेटा, रियल गैस क्या हो सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोले हो सकते हैं। और मैक्सवेल साहब, बोल्ट्जमैन साहब ने बोला कि हमारे पास जो आइडियल गैस है उसको हमने पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है, इसलिए हमारे ये 2 पॉइंट सही है। तो वैंडरवाल साहब ने बोला कि मेरे पास रियल गैस तो स्पीयर रखे हुए, तो ये 2 पॉइंट सही नहीं है। फिर इन्होंने बोला भाई एक काम कर लो, आपको सही नहीं लगता तो आप सही करा लो। तो अब आपने मैक्सवेल साहब, अपने वैंडरवाल साहब सही कराने के पीछे काम में लग गए। अब क्या सही कराए, कैसे कराए, आई विल एक्सप्लेन यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो बेटा अभी जो मैंने आपको बताया था वैंडरवाल गैस इक्वेशंस में जो जितने भी पॉइंट है 7+2 9 पॉइंट्स, एक्चुअली वो 9 के 9 पॉइंट्स आर अप्लीकेबल ओनली फॉर द आइडियल गैस। लेकिन लास्ट के जो 2 पॉइंट थे बेटा 8 एंड 9 पॉइंट, वो पॉइंट हमारे किसी रियल गैस को अप्लीकेबल नहीं है। अब वो अप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब वैंडरवाल साहब ने क्या किया बेटा, उन्होंने एक अपना इक्वेशन बनाया, गैस इक्वेशन बनाया फॉर द रियल गैस। आई होप बच्चों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है। मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं बेटा, आइडियल और रियल गैस ऐसे कोई बुक में लिखा नहीं है, पर एक मेरा डेफिनेशन है जो बच्चों को चीजें आसान कर देता है। बेटा जो गैस आपको मालूम है, सर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है, मुझे अमोनिया मालूम है, मुझे ऑक्सीजन गैस भी मालूम है, आजकल सिलेंडर बहुत जा रहे हैं ना ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन गैस मालूम है, हाइड्रोजन गैस, जो गैस आपको मालूम है सारे के सारे रियल गैस है, रियल REAL रियल गैस। सारे के सारे गैस क्या है बेटा, रियल गैसेस। और आइडियल गैस क्या है बताओ, आइडियल गैस क्या है, कोई है ही नहीं बेटा, ऐसे कोई गैस होती ही नहीं है। मतलब ये जो गैसेस जो आपको मालूम है ना बेटा, इसको कुछ कंडीशन आपको देना है, इतनी टेम्परेचर उतनी प्रेशर देके उसको आप आइडियली बिहेव कराते हो, रियल गैस को कुछ कंडीशन देके उसको आइडियली बिहेव कराते हो। जैसे कि बच्चा बेटा दोस्तों के साथ रहता तो मनमोजी जैसे रहता है, लेकिन वही बच्चा अपने पेरेंट के सामने आ जाए या टीचर के सामने आ जाए तो कैसे एकदम आइडियली गुड बॉय की जैसे बिहेव करता है। वही चीज है बेटा यहाँ पर, गैस जो आपको मालूम है वो रियल है, बट इसको कुछ कंडीशंस देके, टेम्परेचर दिए हो, प्रेशर देके, कुछ वॉल्यूम देके, उसकी कंडीशन में उसको आपने बिहेव कराया ऐसे आइडियली, वो होते हैं आइडियल गैस। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब ने आइडियल गैस को क्या कंसिडर किया बेटा, आइडियल गैस को कंसिडर किया पॉइंट चार्ज
और रियल गैस को हमारे वैंडरवाल्स ने कैसे कंसिडर किया एज ए स्पीयर, बड़े बड़े स्पीयर। तो अब वो जो लास्ट के दो जो पॉइंट थे, लास्ट के जो दो पॉइंट है मैंने बताया ना बेटा, दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर अनअफेक्टेड, दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल, दे आर नॉट हैविंग एनी अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम, वो आइडियल की थे सॉरी वो आइडियल के लिए एप्लीकेबल है बेटा, लेकिन वो रियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से और एक पॉइंट था, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द ईच गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, आइडियल के लिए सही है पर हमारे रियल के लिए सही नहीं है। मतलब अब हमारे वैंडरवॉल साहब ने एक नया गैस इक्वेशन बनाने की कोशिश की, वैंडरवॉल्स रियल गैस इक्वेशन। भाई ये वैंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन क्या है? एक्चुअली आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा? हाँ सर, सब बच्चा जानता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। क्या है सर? आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी क्या है कॉल्ड एज ए प्रेशर, इट इज इन एटीएम, वी बेटा वॉल्यूम, इट इज इन लीटर, एन नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। मतलब इस इक्वेशन से आप किसी भी आइडियल गैस की प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया भाई मेरे पास रियल गैस है, रियल गैस की प्रेशर इससे निकाल सकते हो? ना सर, हम निकाल नहीं सकते। तो कैसे निकालेंगे? वैन डर वाल्स साहब की गैस इक्वेशन से निकालेंगे। तो उन्होंने वैन डर वाल गैस इक्वेशन कुछ ऐसे बनाया, पी प्लस ए इंटू एल स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बेटा, वी माइनस एन वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या हो गया बेटा? वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन फॉर क्या लिखो बेटा? फॉर n मोल ऑफ गैस। किसके लिए? फॉर n मोल ऑफ ए गैस। अब आपको डाउट आ गया सर इन्होंने ये सब कैसे बनाया, वैन डर वाल्स साहब ने ये सब कैसे बनाया, ये तो सीखना है सर। देखो बेटा मैं बताने जा रहा हूं, अब आपको सिखा रहा हूं। देखिए बेटा ये है एक आपका कंटेनर, कंटेनर में बेटा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इज ए पॉइंट चार्ज, तो आपके हिसाब से ये क्या हो गया बेटा? आइडियल गैस। एक काम करेंगे ना, आइडियल गैस को ऐसे बनाओ, मैं एक छोटा सा पार्टिकल यहां है और उसके बगल बगल में तीन पार्टिकल्स ऐसे हैं, गैस पार्टिकल्स। अब क्या हो गया? ये आइडियल गैस है भाई। अब ये आइडियल गैस में आपने क्या देखा? किसी के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन है क्या? नहीं है। मतलब ये वाला गैस मॉलिक्यूल पूरी तेजी से जाके वॉल ऑफ द कंटेनर को हीट करेगा, और जितने तेजी से हीट करेगा उतना अच्छा प्रेशर बनाएगा, एंड वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेशर ऑफ ए आइडियल गैस। ठीक है बेटा, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस दैट इज इक्वल टू, अब ये तो एक तो पार्ट हो गया, दूसरा ये बन गया ना, क्योंकि देखो इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है। मतलब ये वाला गैस मॉलिक्यूल पूरी तेजी से पूरी ताकत से जाके इस वॉल को हीट करेगा और प्रेशर बना लेगा। अगर वो प्रेशर बना लेता है दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रेशर ऑफ ए आइडियल गैस। यहां तक तो सही है सर, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? अब हमारे वैन डर वाल्स साहब आ गए, उन्होंने बोला सर मेरे पास तो रियल गैस है, मैंने बोला रख दो भाई। तो वैन डर वाल्स साहब ने यहां पर गैस रख दिए, ये वाले क्योंकि उनके हिसाब से रियल गैस क्या था बेटा? एक बड़े बड़े रिजिड स्पीयर्स थे, वो रख दिए, हो गया। अब आप जानते हो रिजिड स्पीयर मतलब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो इस गैस मॉलिक्यूल को इसने अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, इसने बोला भाई तू मेरे पास भी आ जा, इसने बोला भाई तू भी मेरे पास आ जा, तीनों ने उसको थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करके रखा। तो क्या बेटा ये वाला गैस मॉलिक्यूल क्या पूरी ताकत से वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करेगा? ना सर, पूरी ताकत से तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पाव ये तीनों ने पकड़ के रखे, थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखे। बेटा जब थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखे तो पूरी ताकत से तो हिट नहीं करेगा। अब पूरी ताकत से हिट नहीं करेगा तो कुछ तो भी ताकत से हिट करेगा, जैसे ही हिट करेगा ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एंड इट विल बी कॉल्ड एज ए प्रेशर ऑफ ए रियल गैस, कॉल्ड एज ए प्रेशर ऑफ ए रियल गैस। तो अब आप सोच के बताना बेटा आइडियल और रियल में, आइडियल गैस और रियल गैस में कौन सी गैस ज्यादा है? तो ऑब्वियसली भाई आइडियल गैस ज्यादा है देन द रियल, क्योंकि आइडियल गैस के जब मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर को हीट करना चाहे पूरी ताकत से हीट करेगा और प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? प्रेशर ऑफ ए आइडियल गैस। लेकिन इस केस में देखिए बेटा, इस केस में
यहां पर ये स्पीयर पूरी ताकत से यहां पर हिट नहीं करेगा, क्यों बेटा? क्योंकि दीज रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग दीज गैस मॉलिक्यूल टुवर्ड इटसेल्फ। बेटा दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड इटसेल्फ मतलब क्या हो गया, ये पूरी ताकत से हिट नहीं करेगा। अगर पूरी ताकत से हिट नहीं करेगा ऑब्वियसली जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो प्रेशर अपने आइडियल से तो कम होगा बेटा, वो प्रेशर अपने आइडियल से क्या होगा, वो अपने आइडियल से प्रेशर कम होगा। एंड हम अभी देख रहे हैं कि आइडियल गैस की प्रेशर ज्यादा है देन द रियल गैस। अभी मुझे करना क्या पड़ेगा, यहां पर दोनों को इक्वलाइज करना पड़ेगा बेटा। कैसे, और एक बार ध्यान से देखो बेटा, मुझे इक्वलाइज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखिए बेटा और एक बार। पहले तो आइडियल गैस था, आइडियल गैस विल हीट द वॉल ऑफ द कंटेनर विथ ए ग्रेट और हायर स्पीड, तो उससे जो प्रेशर मिला वो प्रेशर ऑफ आइडियल था। अभी ये कौन से गैस है बेटा, रियल गैस है, और रियल गैस के मॉलिक्यूल पूरी ताकत से वॉल ऑफ द कंटेनर को हीट नहीं करेगा बिकॉज दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग गैस मॉलिक्यूल। अगर दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग गैस मॉलिक्यूल मतलब पूरी ताकत से हीट नहीं करेगा, अगर पूरी ताकत से हीट नहीं करेगा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रेशर ऑफ रियल गैस। तो आपके हिसाब से कौन सी गैस सबसे ज्यादा है बेटा, जो मॉलिक्यूल पूरी ताकत से हीट करेगा वो वाले मॉलिक्यूल विल बी कंसिडर्ड एज ए हायर प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ आइडियल विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ रियल। अब प्रेशर ऑफ आइडियल ज्यादा है रियल से तो मुझे इक्वलाइज करना पड़ेगा, इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो प्रेशर ऑफ आइडियल को रियल से इक्वलाइज करने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। किसमें, इसमें प्रेशर, इस रियल गैस की प्रेशर में कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। भाई क्या क्वांटिटी ऐड की है, प्रेशर प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये देखो बेटा क्वांटिटी ऐड कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेशर करेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेशर करेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, अगर नहीं आया और एक बार देख लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। सुनो और एक बार देख लो, जस्ट आपके लिए सेकंड टाइम मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या था, पहले कंटेनर है, कंटेनर में गैस आइडियल थी, आइडियल गैस मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्जेस, मतलब एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लो, बाकी के छोटे छोटे पॉइंट यहां पर है बेटा, ये पॉइंट चार्जेस में अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्टिकल पूरी ताकत से जाके वॉल ऑफ द कंटेनर को हीट करेगा, मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू हीट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर विद ए हाई स्पीड एंड इट एग्जर्ट द प्रेशर, दिस प्रेशर इज कंसिडर्ड एज ए प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अभी क्या करना है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए रियल गैस। अगर रियल गैस कंसिडर करते हो तो ये गैस मॉलिक्यूल आएगा, ये गैस। और मालूम है इन रियल गैस मॉलिक्यूल्स में बेटा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होते हैं, ये अट्रैक्शन। एंड नाउ दिस गैस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू द हीट ऑफ द और गोइंग टू कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर बट नॉट विथ ए वेरी हाई स्पीड, क्योंकि बेटा दीज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, तो इसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो प्रेशर होगा रियल गैस। और फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा आइडियल गैस ज्यादा, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ज्यादा कि प्रेशर ऑफ रियल गैस ज्यादा, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन रियल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस रियल गैस के प्रेशर को आइडियल से इक्वलाइज करने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, जब ऐड करूंगा तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज ए प्रेशर करेक्शन, इसको बोला गया है बेटा प्रेशर करेक्शन। अब बात आती है क्वांटिटी क्या ऐड करना है, आपको लग रहा क्वांटिटी ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर लगा दो तो काम हो जाएगा, ना भाई ऐसे नहीं होता। सुनो आपने जो गैस मॉलिक्यूल रियल गैस जो लिया है वो क्या है बेटा, सुनो ये गैस मॉलिक्यूल्स है, वेरी गुड, और ये इनके सराउंडिंग गैस मॉलिक्यूल जो इसको अपनी तरफ खींच रहे ना बेटा, वेरी गुड। अब क्या होगा, आप जानते हो गैस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट कोई भी गैस मॉलिक्यूल की बात करो बेटा कॉन्सेंट्रेशन होती है, लेट मी टेल यू कॉन्सेंट्रेशन किसके बारे में बात करते हैं, मोलारिटी, एक्टिव मास। बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, इस पे डिपेंड करता है। अब आप देखिए बेटा ये वाली गैस मॉलिक्यूल इस गैस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब दीज गैस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा,
समझे ना, इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो इसकी अट्रैक्शन भी ज्यादा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो बेटा इसकी भी अट्रैक्शन ज्यादा। मतलब जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बेटा उतना मॉलिक्यूल धीरे से कोलाइड करेगा, और जितने धीरे से कोलाइड करेगा बेटा उतना उसका हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, उतना उसकी प्रेशर कंसिडर की जाएगी। तो क्या देखा गया बेटा, इस केस में जो प्रेशर आने वाला है, प्रेशर वो डिपेंड करेगा इस गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर, देखो मैं डार्क कर रहा हूं, इस गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर डिसाइड करेगा उसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। लेट मी टेल यू, ये एक मॉलिक्यूल मेरा ए है बेटा और ये मेरा मॉलिक्यूल बी है, तो प्रेशर ऑफ दीज गैस डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ ए इनटू मॉलिक्यूल ऑफ बी। ठीक है बेटा, अब ये भी सुनो, ये वाले गैस का जो प्रेशर आने वाला है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या मैं ऐसे लिखूं, प्रेशर ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए एंड मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी। बेटा मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब एन बाई वी। बेटा बी मतलब सारे गैस तो सेम ही है, अब ए ले लो या बी ले लो तो डिपेंड करेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज एन बाई वी। तो बेटा इसको सॉल्व करके देखो आपको क्या दिख रहा, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए ले लू मैं, एन इंटू एन एन स्क्वायर, वी इंटू वी वी स्क्वायर, तो प्रेशर करेक्शन क्या आ गया बेटा, ए इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और यही क्वांटिटी मैंने यहां ऐड कर ली, ये बन गया ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, कॉल्ड एज ए प्रेशर करेक्शन। आई होप आपको ये प्रेशर करेक्शन पॉइंट समझ में आया बेटा, वेरी गुड। एक मिनट इसको लिख लो, इस तरह से लिख लिया है, अब देखो मैं इसको आपको है ना इसकी यूनिट्स और सिग्निफिकेंस भी दे देता हूं। तो प्रेशर करेक्शन तो आ गया, तो मैं बताऊं इसमें हमारा ए क्या है, तो ए इज कॉल्ड एज ए वैंडर वाल्स गैस कांस्टेंट। बेटा ए इज कॉल्ड एज ए वैंडर वाल गैस कांस्टेंट। फिर हमसे पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, बेटा ए की यूनिट पूछा उसने, तो क्या करो सुनो, प्रेशर करेक्शन में आपने ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लगा दिए, अच्छी बात है। अब क्या करो बेटा, a इज इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लगा लो, p मतलब प्रेशर, प्रेशर शुड बी इन atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, v वॉल्यूम स्क्वायर मतलब लीटर की स्क्वायर हो जाती है बेटा, बाय नंबर ऑफ मोल स्क्वायर मतलब m मतलब मोल, कॉल्ड एज ए मोल स्क्वायर। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ a बेटा, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इज यूनिट ऑफ a, ये a की यूनिट हो गई है। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लो, सिग्निफिकेंस इसके बाद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहां तक। बेटा जिस तरह से हमने यहां पर देख लिए थे कि प्रेशर करेक्शन कैसे होता है, कि प्रेशर करेक्शन मतलब प्रेशर ऑफ द रियल गैस इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस टू गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल ए हो और गैस मॉलिक्यूल बी हो, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मैंने ए ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एन बाई बी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। अब इसके हिसाब से मैंने बना लिया पी इक्वल टू ए इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, मतलब ये वाली क्वांटिटी मुझे प्रेशर में ऐड करनी है, तो ये प्रेशर करेक्शन हो गया। ए क्या है बेटा, यहाँ पर वैन डर वाल गैस कॉन्स्टेंट है, और यूनिट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हमने अभी देखा बेटा, यूनिट्स ऑफ ए इस तरह से निकालते कि पी इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, पी इंटू वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर इज इन एटीएम, वी इज वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम मतलब लीटर स्क्वायर, एन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कॉल्ड एज मोल स्क्वायर। तो ये यूनिट ऑफ ए हो गई बेटा, ये या तो एग्जाम में आपको पूछता भी है, आप लिख भी सकते हो, लेकिन साथ में काम करेंगे बेटा, यूनिट ऑफ ए जो आपने निकाला है उस यूनिट ऑफ ए की कुछ सिग्निफिकेंस भी जान लेंगे, ए की सिग्निफिकेंस क्या है और कहां कहां यूज होती है वो भी देख लेंगे। मैं आपको बताने जाऊंगा बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ ए, सिग्निफिकेंस ऑफ ए मतलब ए का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, जिस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जितनी ज्यादा हो उस मॉलिक्यूल की ए की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, नहीं समझे, अच्छी बात है, जिस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा हो उस मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वो मॉलिक्यूल आसानी से लिक्विफाई होगा, दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल।
मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी बोल सकते हो बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ ए होगी। और बेटा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास भी बोला गया है, मतलब जितनी ज्यादा मोलार मास उतनी बड़ी मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा पोलैरिटी, और गैस मॉलिक्यूल उतनी आसानी से लिक्विफाई होती है। कितना लिख दो बेटा, मैं इसके आपको एक या दो एग्जांपल्स करा के दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि ए के ऊपर में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ठीक है, हम कोई आसान से सवाल पूछा कि हमारे पास एक सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है, हमसे पूछा कि दो गैस मॉलिक्यूल है बेटा, एक मॉलिक्यूल SO2 का है और एक मॉलिक्यूल आपके CH4 का है, और आपसे पूछा गया ये दोनों मॉलिक्यूल्स में किसकी वैल्यू ऑफ ए सबसे ज्यादा है, किसकी मॉलिक्यूल ऑफ ए सबसे ज्यादा है। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखना है तो देखो बेटा, इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आती है दैट इज 64 और इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आती है 16, तो जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी ए की वैल्यू ज्यादा, मतलब SO2 की ए वैल्यू ज्यादा देन द CH4, मतलब SO2 गैस इजीली लिक्विफाई कर जाएगा देन द मीथेन गैस। अगर ऐसा नहीं जानना चाहते तो चलो इस पे SO2 और मीथेन मॉलिक्यूल में देखो बेटा, SO2 मॉलिक्यूल आपका पोलार मॉलिक्यूल है और मीथेन मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, और मैंने तो आपको वही बताया बेटा, जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा होती है, जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा होती है वो मॉलिक्यूल आसानी से लिक्विफाई करता है। तो यहां पर देखिए बेटा, हमारे मॉलिक्यूल जो हमारा ए है, ए की पोलैरिटी SO2 मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा है, तो बेटा जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगी, मतलब वो मॉलिक्यूल इजीली लिक्विफाई कर जाएगा। इज इट क्लियर? मैं आपको और एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, अभी की क्लास में, अभी की कंटिन्यू में मैंने क्या पढ़ाया देखो, मैंने पढ़ाया ए इज द वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए गैस कैन बी लिक्विफाई इजिली, बेटा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए मॉलिक्यूल विल हैव अ ग्रेटर पोलैरिटी, ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, एंड ग्रेटर द मोलार मास ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये सारे ए की वैल्यू डिसाइड करेगा ये सारी प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर द पोलैरिटी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए द गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए बेटा उस मॉलिक्यूल की उतनी मोलार मास सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल देखो बेटा, ये वाला SO2 और मीथेन में पूछा गया किसकी वैल्यू ऑफ ए ज्यादा है, तो जस्ट फाइंड आउट मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन इज 64, सॉरी SO2 64 बट मीथेन 16 है, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगी उतनी ज्यादा पोलैरिटी, उतनी ज्यादा ए, हेंस वी कैन से SO2 मॉलिक्यूल हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए देन द मीथेन। और SO2 और मीथेन में अगर आपको डाइपोल मोमेंट का कांसेप्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग से, तो वहां से चेक करो बेटा, SO2 मॉलिक्यूल बेटा पोलार है और मीथेन मॉलिक्यूल नॉन पोलार है, जो मॉलिक्यूल पोलार होगा उसकी वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगी देन द अदर मॉलिक्यूल, राइट। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप ये एग्जांपल लिख लीजिए, आई वांट टू गिव वन मोर एग्जांपल, ठीक है, इसके अलावा और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए बेटा, हमारे पास कुछ हैलोजन्स होते हैं और हमसे पूछा गया सारे हैलोजन्स में, जैसे कि हैलोजन F2 हो गया, देन Cl2 हो गया, देन Br2 हो गया, देन I2 हो गया, बेटा ये सारे हैलोजन्स में हमसे पूछा गया किसकी वैल्यू ऑफ ए सबसे ज्यादा है, तो क्या करना बेटा, आपको इतना तो मालूम है F2 Cl2 Br2 I2 मतलब ग्रेटर द मोलार मास, देखो बेटा ग्रेटर द मोलार मास तो ग्रेटर द साइज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, इट इज द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए ऑफ द हैलोजन्स, ठीक है। इसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो IIT मेंस में पूछा गया था, उन्होंने पूछा कुछ मॉलिक्यूल्स को मैं दे रहा हूं, उन मॉलिक्यूल्स को आप ऑर्डर ऑफ ए में लगाइए, एक CO2 था, एक O2 था, एक मीथेन भी था, सॉरी एक अमोनिया भी है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लो, समथिंग कॉल्ड एज ए CO2 लिए, O2 लिए, अमोनिया लिए, और ये N2 ले लिए, बेटा ये सारे मॉलिक्यूल्स को आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ ए में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं लिख रहा हूं,
arrange the following gases, arrange the following in order of A. Following क्या है? CO2 होगा, O2 होगा, N2 अमोनिया भी होगा और N2 भी होगा. तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वॉट दी वी डू, उन लोग को मालूम है कि सर ने सुधीर सर ने फॉर्मूला लिखा के दिए ग्राम मॉलिकुलर वेट वाला, तो दे विल गो विथ ग्राम मॉलिकुलर वेट. CO2 की मॉलिकुलर वेट कितनी बेटा? 44. 16 × 2 = 32, ये आ गई 17, ये आ गया 14 × 2 = 28 ग्राम पर मोल. तो इसके हिसाब से बच्चे क्या सोचते हैं बेटा, जिसकी मॉलिकुलर वेट ज्यादा उसकी वैल्यू ऑफ ए ज्यादा, पहले CO2 आएगा, फिर O2 आएगा, फिर N2 आएगा, फिर अमोनिया आएगा, ऐसा वैल्यू ऑफ ये ए सोचते हैं. लेकिन ये गलत है बेटा, क्योंकि आप जानते हो ये सारे गैस में एक अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी टेंडेंसी है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मतलब ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है. इसका मतलब इसकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो देखो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो तो वैल्यू ऑफ ए ज्यादा आएंगी. दैट मीन सबसे आगे कौन आएगा? सबसे आगे आएगा अमोनिया, फिर आएगा CO2, फिर आएगा O2 और फिर यहां पर आ गया बेटा आपका N2 सबसे लास्ट. जो अमोनिया एक्चुअली लास्ट था वो चले गया सबसे आगे. एंड दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए. देखो बेटा दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ए फॉर द गिवन गैस मॉलिक्यूल्स. राइट, लिख लो बेटा इसे. अभी हम बात करेंगे बेटा यहां पर वी वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि आपने प्रेशर करेक्शन से ए तो निकाल लिए और प्रेशर करेक्शन से ए भी निकाल लिए, ठीक है, और ए का सिग्निफिकेंस भी देख लिए और आपने ए की यूनिट्स भी देख ली. अब क्या करेंगे बेटा, यहां वॉल्यूम करेक्शन की बात करेंगे. वॉल्यूम करेक्शन क्या था वो देखेंगे. सुनो ध्यान से, वॉल्यूम करेक्शन बेटा, वॉल्यूम करेक्शन में क्या होगा? एक्चुअली कोई भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन नहीं बताते, पर ये मेरी क्लास सबसे हटके है बेटा, जहां पर मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 9 पॉइंट डिस्कस तो करता हूँ, साथ में उसके साथ साथ जो लास्ट के जो 2 पॉइंट गलत थे उसके प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन इसी में दे देता हूँ, क्योंकि हमारे इनिशिएटिव में सबसे आखिरी में दिया हुआ है. तो वॉल्यूम करेक्शन क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन इन्होंने जो गैस कंसिडर किया था वो था बेटा आइडियल गैस. आइडियल गैस क्या थे? छोटे 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 पॉइंट मास थे. कितने डॉट? 5 डॉट लगा दिया, आपको नहीं दिख रहे बट आई विल टेल यू, ये छोटे छोटे 5 ऐसे पॉइंट चार्जेस है क्योंकि आइडियल गैस है. अब किसी ने सोचा कि सर ये पांचों के पांचों गैस मॉलिक्यूल की एक तरफ जमा कर दूं मैं, तो उन्होंने यहां कोने में जमा कर दिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं दिख रहा. मैं आपसे पूछूं बेटा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दीज गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कंटेनर, क्या ये वॉल्यूम कंसिडरेबल है? आप बोलेंगे नहीं. तो हम एक काम करेंगे बेटा, ये छोटा सा दिखा ना वॉल्यूम, इट विल बी कॉल्ड एज ए वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है. अब वैन डर वाल साहब आ गए, उन्होंने लिया रियल गैस, उन्होंने बोला भाई यहां पर ऐसे बड़े बड़े रियल गैस लिए गए हैं, लिए है? अच्छी बात है. फिर किसी ने बोला सर सारे को एक तरफ जमा कर दो, तो ये गैस मॉलिक्यूल को हमने एक तरफ जमा कर दिए, 1 2 3 4 5 देखो बेटा इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई हो गया. अब क्या हम इसको नेग्लिजिबल समझेंगे कि कंसिडरेबल समझेंगे? यस सर, कंसिडरेबल समझेंगे. तो अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए रियल गैस. अब आपसे पूछा जाएगा दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? वॉल्यूम ऑफ रियल बड़ी है. फिर बोला कि सर इन दोनों को इक्वलाइज करना है. अच्छा भाई, अगर दोनों को इक्वलाइज करना है इसमें से कुछ क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी, तो V माइनस ऑफ सम क्वांटिटी दिख रही बेटा क्वांटिटी. अब ये क्वांटिटी क्या है? तो देखो बेटा इतना जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, दिस वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. और इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कंसिडर किया जाता है B. याद रहेगा
ये जो था ना, ये वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए व्हाट बेटा, बी, दैट इज अ वैन डर वाल गैस कॉन्स्टेंट। और ये जो वन मोल ऑफ गैस का अगर आप बी देखते हो ना, इट इज इक्वल टू 4 times ऑफ अवोगाड्रोस नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। देखो बेटा मैंने लिख दिया B इज इक्वल टू 4 times ऑफ Na इंटू V मॉलिक्यूल। V मतलब एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल है भाई, मतलब एक गैस मॉलिक्यूल जो होगा ना वो एक V मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको स्पेयर समझता हूं, V मॉलिक्यूल को स्पेयर समझता हूं, तो स्पेयर सर्कल उसको कैसे लिखते हैं भाई, 4/3πr³। ये B का वैल्यू लिख दिया मैंने 4/3πr³। बेटा ये R आप कैपिटल लिख दिए तो और भी अच्छा है, बिकॉज यहां पे जो छोटे छोटे स्पेयर है ना, आप इसकी बात कर रहे हो, ये वॉल्यूम है और ये इसकी यहां से रेडियस R है। तो यहां जस्ट मैंने एडिशन लिख दिया बेटा, ये क्वांटिटी वी आर माइनस क्वांटिटी, क्वांटिटी इज नथिंग बट एन बी, बी इज कॉल्ड एज अ व्हाट बेटा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इट इज अ 4 times ऑफ एन ए इंटू वी वॉल्यूम, 4 into Na, और वॉल्यूम जो थी 4/3πr³। ये पार्ट बेटा आईआईटी मेंस में आता है, नीट में नहीं आता है। नीट में इतना ही पूछता है कि रियल गैस को आइडियल गैस को रिप्लेस करने के लिए आपको रियल गैस में से क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी कि माइनस करनी पड़ेगी। सर क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी, कितनी, n टाइम्स ऑफ b, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल्स एंड b इज कॉल्ड एज ए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये हो गया बेटा आपका वॉल्यूम करेक्शन। अच्छा ये वॉल्यूम करेक्शन होने के बाद, ये वॉल्यूम करेक्शन होने के बाद मैं यहां पे छोड़ देता हूं बेटा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम डिनोटेड एज ए बी, ये ऑल। ये वॉल्यूम करेक्शन होने के बाद अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, तो क्या बोलो बेटा, बी वी इज इक्वल टू एन वी, बी इज इक्वल टू वी बाय एन, वी इज द वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम इज इन द लीटर, एन इज द मोल दैट इज इन लीटर, तो यूनिट ऑफ बी इज द लीटर मोल इनवर्स। ये हो गया अपनी यूनिट ऑफ बी। अच्छा यूनिट ऑफ बी तो हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ बी क्या है भाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी। देखो ध्यान से, सिग्निफिकेंस ऑफ बी बताता है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब बात वही होगी ना, जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ बी होगी मॉलिक्यूल का, साइज का गैस मॉलिक्यूल उतनी बड़ी होगी, उतना बड़ा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, जितना बड़ा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतने आसानी से गैस मॉलिक्यूल लिक्विफाई कर जाएंगी। सो यही है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ बी, दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं, हमसे पूछा गया भाई एफ टू बी है और सी एल टू भी है, इन दोनों में सबसे ज्यादा बी की वैल्यू किसकी है, तो आप जानते हो वाइल कमिंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप है ना, साइज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे बड़ी साइज क्लोरीन की है, हेंस द Cl2 विल हैव ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए बी। दूसरा एग्जांपल और एक है मेरे पास कुछ हाइड्रोकार्बन से बेटा, अगर मैं बात करूं इथेन मीथेन एंड प्रोपेन, अगर इसकी बात करूं बेटा एक मीथेन है एक प्रोपेन है C3H8 है और एक C2H6 है, इन दोनों तीनों में बी की वैल्यू अरेंज करने को बोला गया है, तो जितने ज्यादा कार्बन एटम उतनी बड़ी साइज, तो C3H8 विल हैव ए ग्रेटर साइज देन द C2H6 देन द CH4। अब हम बोल सकते हैं सर यहां पर दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ग्रेटर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी, मतलब बी की वैल्यू डिपेंड करती है साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये था बेटा पूरा वैन डर वाल गैस इक्वेशन के साथ, वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन के साथ ए एंड बी वैन डर वाल गैस कॉन्स्टेंट, ए और बी की बेटा यूनिट, और उसके साथ में ए और बी का मैंने सिग्निफिकेंस भी दे दिया। तो ये था बेटा आज का पूरा टॉपिक, दैट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ ए गैसेस व्हिच वाज गिवन बाय मैक्सवेल एंड बोल्टजमैन, एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, रियल गैस को एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बीच में बताते गया कि वैन डर वाल्स आपने रियल गैस के लिए एप्लीकेशन कराने के लिए उन्होंने उस 9 पोस्टलेट में से बेटा 2 पोस्टलेट के करेक्शंस करे, दैट इज अ प्रेशर करेक्शन एंड अ वॉल्यूम करेक्शन, और उसके हिसाब से उन्होंने वो प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन करा के वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन दे दिया। कभी कभी है ना आईआईटी मेंस में ये पूछा गया है,
व्हाट इज द वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन फॉर, बेटा व्हाट इज द वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ ए गैस। ये जो दिख रहा है आपको एन मोल के लिए है, अगर आपसे पूछा जाए वन मोल के लिए कितना होगा, तो भाई वन मोल मतलब एन की वैल्यू वन हो जाएगी, इट बिकम पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू वन हो गई। यहां पर बेटा वी माइनस बी, यहां भी एन की वैल्यू वन होगी, एंड इट इज इक्वल टू आर टी। इट इज अ वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन फॉर ए वन मोल ऑफ ए गैस, राइट बेटा। अब मैं एक काम करूंगा, इसके आगे जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम अभी जाएंगे कंटिन्यू पार्ट, कॉल्ड एज ए काइनेटिक गैस इक्वेशन और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये पार्ट मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करा दूंगा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, टेक केयर, बाय।